आज मैं आपको मेरी अपने आप बीती एक कहानी बताना चाहता हूं। कहानी क्या है ये समझ लीजिए कि मम्मी का अकाउंट एक नेशनल बैंक में है और अक्सर मेरी माँ जब जाती है तो या तो मेरा भाई साथ होता है या मैं होता हूँ। अगर मैं नहीं रहा तो मेरा भाई अधिकतर मेरी माँ के साथ जाता है। एक दिन एक ऐसे किस्से को जो मैं बयां कर रहा हूँ उसमें मैं स्वयं था मेरी माँ के साथ। हम इस नेशनल बैंक में एंट्री करते हैं और उसमें क्या क्या होता है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जी हाँ, जिस बैंक में मेरी माँ का खाता था वो नेशनलाइज्ड बैंक। अब देखिए ये क्या हो रहा है। मैं पहली बार एक काउंटर पे जाकर पूछता हूँ कि बैलेंस पता करने के लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ, तो मालूम पड़ता है कि चार काउंटर पर धक्के खाने के बाद कि बैलेंस तो एक्चुअली एक मैडम है वो बताएगी, और उस मैडम की बेंच में इशारा करके मुझे वहां तक पहुंचाया गया। जैसे तैसे मैं वो बेंच तक तो पहुंच गया, लेकिन क्या देखता हूं कि वो मैडम तो वहां है नहीं। तो मैडम का काउंटर कौन सा है यही है ये पूछने के लिए मैंने बाजू वाले व्यक्ति से पूछा, क्या ये मैडम यहीं पर बैठती है? तो उसने कहा हाँ ये मैडम यहीं पर बैठती है। तो मैंने दूसरा सवाल उससे पूछा, क्या वो आज आई है? अब वो अपनी जगह पर दिखाई नहीं दे रही है। तो मालूम पड़ा कि वो आई है, आपको इंतजार करना पड़ेगा। और मैं इंतजार की कतार पे खड़ा रह गया और मेरी गिनती शुरू हो गई। ये मेरा लेवल 1 था, यानी मैडम का काउंटर पता चल गया था तो मेरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी यह सोचकर। लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ा और मैडम अपने सीट पर नजर भी आई थोड़ी देर बाद। आधा घंटा हो चुका था इस बात के लिए, और बाद में मैडम ने चश्मा लगाया, पल्लू संभाली अपनी और अपने सीट पर बैठकर यूनिनॉर की 2G स्पीड से चलती हुई ये मैडम अपने सीट पर विराजमान हुई। और जैसे कि पूरा काम खत्म हो गया हो और इतनी शांति से अपने सीट पर बैठने के बाद उन्होंने सब संभाला, अपने सभी सामान को देखा और संभालने के बाद में मेरी तरफ नजर उठाकर पूछी, कहो कैसे आए? मैंने कहा मैडम आपसे बहुत दिन हुए मिले नहीं थे, कोशिश तो यही थी मेरी, अंदर का मन यही बोल रहा था, लेकिन मैंने कहा आधा घंटा वैसे ही बीत गया है। तो सीधा सवाल पर आते हैं। सवाल मैडम, जिस तरह से वो घूर रही थी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ और बोलूं, इसलिए मैं सीधा सवाल पर आया और मैडम से पूछा, मैडम वो बैलेंस देखना था। तो मैडम के चेहरे पे सुनामी से कम एक्सप्रेशन नहीं आए और बहुत गुस्से में उसने मेरे मुंह से अपनी नजर हटाकर डायरेक्ट कंप्यूटर पे ध्यान दिया और कहा, आपका क्या है अकाउंट नंबर? अकाउंट नंबर जब मैंने पूरी तरह से बताया उसमें भी 10 मिनट लग गए, और जब अकाउंट नंबर एंटर हुआ तो मैडम थोड़ा विचलित होकर इधर उधर देखने लगी, और बाजू में जो बैठे शख्स थे जिनसे मैंने मैडम के बारे में पूछा था उनकी तरफ देखकर उन्होंने कहा, सर थोड़ा बताएंगे ये कैसे बैलेंस चेक करते हैं? तो बाजू में बैठे उस शख्स ने फिर मेरी तरफ देखा और उस मैडम की तरफ देखने के बाद में जैसे खजाना बता रहा हो उस तरह से मैडम को बता दिया। पहले तो खाते के अंदर जाकर क्लोजिंग बैलेंस पर क्लिक करने पर बैलेंस आ जाता था, लेकिन अभी सिस्टम चेंज हो गया है यह कहकर वो मेरी तरफ देखने लगी। अभी आप F5 दबाएं और एंटर मार दें तो बैलेंस दिखा देगा। फिर मैडम ने चश्मा ठीक करते हुए 3 बार मॉनिटर की तरफ और 3 बार कीबोर्ड की तरफ नजर मारते हुए अपनी उंगलियों को काम पर लगाया, और जैसे ही उंगलियां बोर्ड पर चलने लगी तो ऐसे फिराती रही जैसे कोई तीसरी क्लास का लड़का वर्ल्ड मैप में सबसे छोटा देश यानी मस्कट वगैरह ढूंढ रहा हो। मैडम फिर उसी शख्स की तरफ देखने लगी, मदद के लिए फिर पुकारने लगी, अरे सुनिए तो ये F5 किधर है? शायद मैडम की उम्र 50 से ऊपर होने के कारण वो बाजू वाले शख्स ने भी
पास आकर मदद करने की जहमत उठाई, इसलिए वहीं वो पास आकर मैडम को बताने लगा। कीबोर्ड में सबसे ऊपर देखिए मैडम, ये है, ये रहा, लेकिन सबसे ऊपर तो सिर्फ 3 बत्तियां जल रही है। मैडम बड़ी क्लियर थी। हाँ, उन बत्तियों के नीचे ये जो दिख रही है ना लंबी लाइन F1 से F12, ये आप कह रहे थे F1, F5, अच्छा ये F5 यहाँ है, 1, 2, 3, 4, 5। तो फाइनली मैडम को F5 मिल गया। मैडम झट से बटन दबा देती है मॉनिटर पर, आधे घंटे तक वो रेत की घड़ी जैसा, कुछ लोग उसे डमरू भी कहते हैं, वो बनाती रही, वो बनता रहा, मैडम देखती रही और मैं मैडम की तरफ घड़ी की तरह देख रहा था गोल गोल। अंत में एक मैसेज आता है, सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज चेक योर कनेक्शन। मैडम अपने हथियार डाल देती है, एक नजर आपकी गरीबी लाचारी से पुते चेहरे पर डालती और कहती है, सॉरी सर्वर में प्रॉब्लम है। कहने का टोन ठीक वैसा ही होता है जैसे पुरानी फिल्मों में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आकर कहता है, सॉरी हमने तो बहुत कोशिश की पर ऊपर वाले को शायद यही मंजूर था, हम आपके रिश्तेदार को बचा नहीं सके। उम्मीद करता हूं कि इससे आपकी कल्पना जागी होगी, मगर थोड़ा सा दुख भी होता है कि मशीनीकरण और आधुनिकता हमें चीज़ें आसान करने के लिए होती है, और यही देखा जा रहा है कि अगर कोई शख्स बैठा हो, ये उम्र की बात नहीं है कि कोई 50 साल का हो या 40 साल का हो, लेकिन जो जहां हो उसे वो काम आना चाहिए, क्योंकि समय पैसा है, और उससे बड़ी बात ये है कि हम उनकी वजह से हैं जिसे हम कस्टमर कहते हैं। अगर वो ही ना रहे तो ये बैंक किस काम के। अगर आपको अच्छी लगी तो ये कृपया शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।